शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, अगर किसी बंदे पर तेजाब गिर जाए तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके मुतासरा हिस्से पर दूध डालें। जब तक दूध फटना ख़त्म ना हो तो डालते रहें। जितना ज़्यादा दूध डाला जाएगा इतना ही मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। जिसकी आवाज़ बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूसे तो गला इसी वक्त खुल जाएगा। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद जाना जाता है। कान में शदीद दर्द हो तो रात को कान के अंदर लहसुन का एक दाना रखकर सो जाओ, सुबह को दर्द वगैरह सब गायब हो जाएगी। नींद में खराटे आने का मसला हो तो सरसों के तेल के चंद कतरे नाक में डाल लो, जिंदगी भर खराटे नहीं आएंगे। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा ज़रूर खा लिया करें। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। चेहरे पर बंद गोभी का छिलका लगाकर सो जाया करो, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। खाने के फौरी बाद सो जाने से अच्छा है कि भूखा सो जाओ, भूखा सो जाना ज़्यादा सेहतमंद साबित होगा। एक गिलास पानी का पीने से दिमाग 14% तेज़ी से काम करता है। चावलों के बाद दूध हरगिज ना पिए। अपने छोटे बच्चों को चाय ना पीने दिया करें। क्या आपको मालूम है सबसे पहले दुनिया से शहद वाली नेमत उठाई जाएगी? बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों को और सर की जिल्द को कुव्वत और ग़िज़ाइयत मिलती है। जख्म की सूजन को दूर करना है तो प्यास को जला लें। इसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं। जिनका मैदा खराब रहता हो वो इलोहे के पानी में इस्बगोल मिलाकर रोज़ानहार मुँह पी लें। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बदहजम के मसले में उबले चावलों का पानी पीने से फौरन बदहजमी का मसला ठीक हो जाता है। अगर अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना है तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। कसरत से झूठ बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। जब वुजू करना मुश्किल लगे तो ये सोचा करो कि अपने गुनाहों को धोने जा रहा हो। जिस बंदे को शुगर का मसला हो इसको मुसलसल ऊँटनी का दूध पिलाने से शुगर दूर हो जाती है। ऊँटनी का दूध अगर हमला ख्वातीन पीती रहें तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। नज़र कमज़ोर आ ख़राब हो जाए, सौंफ, मिस्री, बादाम, मग़ज़, साबित धनिया, ये तमाम 100 ग्राम और काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, उन तमाम अज्जा को पेस्ट कर एक शीशी में बंद करके रख लें और 3 हफ्तों के इस्तेमाल से आपको हैरान कन फ़ायदा होगा। नमकीन चीज़ों का बाकसरत इस्तेमाल करना बिनाई के लिए मुज़िर साबित होता है। नमकीन पानी पीने वाले बंदे का पेट कभी ख़राब नहीं होता। कम सूना आपकी उम्र में कमी लाता है। अगर दांतों में सख्त मील जम गई हो तो कीकर का कोला दांतों पर मिले फिर अच्छी तरह धो लें। दांत मोतियों की तरह चमक जाएंगे। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो अनार का जूस पियो और जैतून का तेल इस्तेमाल करो। पालक कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। टांगों और जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी का गुस्ल उनका बेहतरीन इलाज है। जिस्म के किसी भी हिस्से में मोच आ जाए तो इस हिस्से पर बर्फ़ की टिकोर करें। लटकी हुई जिल्द और झुर्रियों के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ज़रूरत से ज़्यादा सोने वाला बंदा ज़्यादा उदास रहता है। जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों की मालिश करें। चने और जूक के आटे की रोटी खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। ज़्यादा प्याज के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। खाने के फौरी बाद नहाने से फालिज होने का ख़तरा है। नाक की बदबू दूर करने के लिए चुटकी भर फटकरी थोड़े से पानी में हल करके नाक में डाल लें। नाजरीन, सर की खुश्की को दूर करने के लिए लीमू का टुकड़ा सर पर मिले,
खुश्की ख़त्म हो जाती है। रात को सोते वक्त अपना सर बिल्कुल भी ढाँप कर मत सोया करें। पेट की तमाम बीमारियों से निजात चाहते हैं तो पुदीने के पत्ते चबाते रहा करें। शुगर के मरीज यू के आटे की रोटी या जो के दलिये से नाश्ता करने की आदत बना लें। ताज़ा टमाटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से लिकोरिया ठीक हो जाता है। सिंघाड़ा मर्दाना कमज़ोरी में मुफीद है। ज़्यादा चाय पीने वाले इंसान के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। साइकिल चलाओ, टांगें मजबूत होंगी और सांस फूलने की बीमारी ख़त्म होगी। अगर खाने से कबल शहद में थोड़ी सी दाल चीनी मिलाकर खा लें तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। जिस्म के किसी भी हिस्से पर दर्द हो तो अजवाइन का तेल इस्तेमाल किया करें। अजवा खजूर को गुठली समेत पेस कर खा लिया करो, सारी जिंदगी दिल की बीमारी नहीं होगी। शुगर वाले मरीज चिकंदर और शुक्रकुंदी के इस्तेमाल से गुरेज करें। संत के मुताबिक पानी पीने के बेशुमार फायदे हैं, जिनमें से चंद ये हैं: दिमाग कमज़ोर नहीं होगा, गुर्दे खराब नहीं होंगे, घुटने तंदुरुस्त रहेंगे, दिल के वाल कभी बंद नहीं होंगे, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। ज़्यादा खांसी आए तो खुश्क मेवे खाओ। इमली खाने से दिमाग को ताकत मिलती है। चने की दाल खाओ, बुखार नहीं होगा। भुने हुए चने खाया करो, ये मैदे को साफ करते हैं और मैदा साफ हो तो चेहरे पर रोना आती है। घुटनों में दर्द हो तो जैतून का तेल लगाओ। दुबले पतले स्मार्ट होना चाहते हो तो गंदम छोड़ो, ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल किया करो। अगर पेट का दर्द हो तो निहार मुन दही खाओ। मोटापा कम करना है तो आधा चम्मच पुसी हुई कलौंजी एक गिलास पानी में उबालकर सुबह शाम ले, वजन कम हो जाएगा। अंजीर ज़्यादा खाओगे तो जूएं पैदा होंगी। लकड़ी की बनी हुई एशिया की सफाई के लिए नमकीन पानी का इस्तेमाल करो, लकड़ी की चीज़ें चमक जाएंगी। निहार मुन पानी पीने से इंसान मोटा होने लगता है और उसके गुर्दे साफ होते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।